الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج मार्च की 29 तारीख और आसाम में इलेक्शन बिल्कुल करीब है। तीन चरण में, तीन मरहले में इलेक्शन होगा। पहला मरहला 27 मार्च को, और हम लोग जिस इलाके और एरिया में रहते हैं इसमें 1 तारीख को, अप्रैल की 1 तारीख को, और बाद में लवर असम का जो इलाका है उसमें 6 तारीख को शायद। मेरे दिल में ये बात आई कि इलेक्शन और वोट के सिलसिले में कुछ बातें हमारे सामने आ जानी चाहिए, ताकि हमको ये मालूम हो जाए कि वोट क्या है और वोट देना हमारे लिए कितना जरूरी है। दरअसल पूरी दुनिया में हुकूमत चलाने का जो निज़ाम और सिस्टम है उसमें से एक सिस्टम है जमहूरी सिस्टम, जमहूरी निज़ाम, गणतांत्रिक सिस्टम। और इस वक्त दुनिया के अक्सर हिस्से में इसी तरह से गवर्नमेंट और हुकूमत बनती है। जमहूरी सिस्टम और जमहूरी निज़ाम जो हमारे मुल्क में चल रहा है, ये हकीकत तो ये है कि ये कुरान और हदीस और इस्लामी शरीयत की तालीम के मुताबिक नहीं है, बिल्कुल बिला शक व शुबा। इसलिए कि ये जो सिस्टम और निज़ाम है इसमें दो बात खास तौर पे शुरू ही में ऐसी आ जाती है कि जो इस्लाम जिसको पसंद नहीं करता है। एक बात तो यह है कि जब कोई कैंडिडेट नेता बनकर, लीडर बनकर खड़ा होता है किसी भी पार्टी से, तो अपनी तारीफ करता है कि मैं ऐसा हूं, मेरी पार्टी ऐसी है, और सामने वाले कैंडिडेट की वो बुराई और ऐब बयान करता है, उस पार्टी के ऐब को बयान किया जाता है। हालांकि किसी के ऐब को बयान करना और खुद से अपनी तारीफ करना, ये इस्लाम बहुत अच्छा इसको नहीं पाता है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता है। इसी तरीके से जो आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है लीडर बनकर, तो वो कोया के एक ओहदे का मुतालबा करता है, वो मांगता है कि तुम सब के सब मुझको एमएलए बना दो, एमपी बना दो, मैं इस लायक हूं कि मुझको एमएलए बनाया जा सके। और फला आदमी बिल्कुल इस लायक नहीं है कि उसको एमएलए बनाया जा सके। और हदीस में आया है
अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ओहदा और कोई जिम्मेदारी बगैर मांग के आए, आपने नहीं कहा कि उसको मस्जिद का प्रेसिडेंट बनाया जाए, मदरसे का मोहतमिम बनाया जाए या जमात का अमीर बनाया जाए, आपने मांगा नहीं, आपने उसका डिमांड और मुतालबा नहीं किया। बगैर मांगे और बगैर डिमांड किए हुए जो ओहदा आता है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी सूरत में ओहदेदार की और उस आदमी की अल्लाह के तरफ से मदद की जाती है। और अगर कोई ओहदा मांग कर लेता है कि मुझको जमात का अमीर बना दो, मुझको मस्जिद का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बना दो, मदरसे का मुफ्ती बना दो, या और भी कोई ओहदा जब मांग कर लेता है, डिमांड करता है, मुतालबा करता है, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर अल्लाह की तरफ से उसकी मदद और नुसरत नहीं होती, बल्कि उस ओहदे का अल्लाह उसी को जिम्मेदार बना देता है, उसी को जिम्मेदार बना दिया जाता है। और जिस काम में अल्लाह की मदद ना आए, उस काम को तकमील तक और कंप्लीट तक पहुंचाना ये मुश्किल होता है, परेशानी होती है। इसलिए ये जो इलेक्शन होता है, ये जो वोट होता है, इसके अंदर चूंकि ओहदे को मांगा जाता है, अपनी तारीफ को बयान किया जाता है, दूसरे की नाअहली को, दूसरे के ऐब को, नक्स को, कमी को बयान किया जाता है, जो इस्लामी शरीयत की तालीम के मुताबिक नहीं। इसी तरह से ये जो सिस्टम और निजाम है, जमहूरी गणतांत्रिक सिस्टम और निजाम, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर इंसान को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि जमहूरियत वो बला है जिसमें इंसान को गिना जाता है, तौला नहीं जाता। यानी जब वोट का किसी को अधिकार मिल जाता है, यानी 18 साल का अगर एक इंसान, मर्द या औरत जो भी हो, जब उसकी उम्र 18 साल हो जाती है और वो वोट डालने का हकदार हो जाता है, तो फिर उसका वोट और पूरे इंडिया के अंदर सबसे पढ़ा लिखा इंसान, उसका वोट, दोनों का वोट बराबर हो जाता है। एक पागल आदमी जो अच्छाई और बुराई में तमीज नहीं कर सकता, जो नफा नुकसान के बारे में कोई राय नहीं दे सकता, उसका वोट, और एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एडुकेटेड, उसके वोट, दोनों के वोट का वजन और वेट एक और बराबर सम्मान हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहरहाल दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ये निजाम और ये सिस्टम चल रहा है, और इसी सिस्टम पर आज मुसलमानों के लिए बदाहिर इसी सिस्टम के अंदर खैर भी है, इसी हुकूमत में हमारे और आपके लिए खैर है, और इसी को हम और आप भी फॉलो करते हैं, मानते भी हैं। जब वोट देने का जमाना आता है तो तरह तरह के लोग मैदान में आते हैं, तरह तरह के किस्म किस्म के लोग किसी न किसी पार्टी से टिकट लेकर और वोट मांगने के लिए आता है। ऐसे मौके पर हम मुसलमानों को क्या करना चाहिए? बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर जितने दावेदार है, जितने लीडर है, जितने नेता है, ये सब के सब गंदे हैं, सब के सब बेईमान हैं, लिहाजा हम किसको वोट दें? और वो ये सोचकर किसी को वोट नहीं देता है, अपने घर में बैठा रहता है। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये सोच गलत है, ये सोच गलत है। इसलिए कि अगर सारे के सारे लोग खराब हैं, सारे के सारे लोग बुरे हैं और सारे के सारे लोग जालिम हैं, तो उसमें आप गौर कीजिए किसके अंदर जुल्म कुछ कम है, जो थोड़ा सा कम बुरा है, उसको वोट देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर हम और आप वोट नहीं देते हैं, अच्छे लोग जब वोट नहीं देंगे, तो बुरे लोग, जालिम किस्म के लोग,
किसी एक खराब आदमी को वोट देगा और उसके वोट की वजह से वही खराब आदमी हमारा लीडर बन जाएगा, पूरे इलाके का वो एमएलए बन जाएगा। अब अगर वो हमारे खिलाफ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बात करेगा तो गोया के इसकी पूरी जिम्मेदारी और इस गलती को अंजाम देने वाले हम और आप होंगे। लिहाजा जब इलेक्शन का दिन आए, वोट का दिन आए, तो अपने वोट को इस्तेमाल करना चाहिए, घर में बैठकर नहीं रहना चाहिए। क्यों? उलमा ने लिखा है कि वोट की कई एक हैसियत है शरीयत में, और ये सिर्फ दुनियावी काम नहीं बल्कि ये दीनी काम भी है। चुनांचे किताबों के अंदर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वोट की एक हैसियत है शहादत की, गवाही दे दी। गोया के जितने लीडर है मैदान में, जितने पार्टी से जितने लोग खड़े हुए हैं, हम और आप जब किसी को वोट देंगे तो हम और आप ये गवाही देंगे कि ये वो आदमी है जो पूरे समाज का लीडर बनने की अपने अंदर हैसियत रखता है, सलाहियत रखता है। ये आदमी दूसरों के मुकाबले में अच्छा है, ये समाज को अच्छी तरह से लेकर आगे चल सकता है, ये समाज की और पूरे हलके की ये खैरखाही करेगा, हमारी बात को पार्लियामेंट तक या हमारी बात को विधानसभा तक ये पहुंचाएगा, हमारी जरूरत को हुकूमत तक ये पहुंचाएगा। ये गोया के हम और आप उस लीडर के बारे में गवाही देते हैं, और इस्लाम में गवाही की बड़ी ताकीद है। एक गवाही के बारे में दो बात जहन में रखनी चाहिए। एक बात तो ये कि हम और आप अगर झूठी गवाही देते हैं, हम जान रहे हैं कि कौम के हक में ये आदमी अच्छा है और ये आदमी इलाके का काम करेगा, ये आदमी हुकूमत के पैसे को मार कर नहीं खाएगा बल्कि ये कौम की और पूरे समाज की ये खिदमत करेगा, इसके बावजूद अगर हम इसको वोट नहीं देते हैं बल्कि दूसरे को वोट दे देते हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये आदमी उससे अच्छा नहीं है, उससे ये खराब है, इसके बाद भी अगर हमने इसको वोट दिया तो इसका मतलब है कि हमने झूठी गवाही दी, हमने और आपने झूठी गवाही दी। और झूठी गवाही देना ये बड़े बड़े जो गुनाह है, बड़े बड़े जो गुनाह है, गुनाह कबीरा, उनमें भी जो जो सबसे ज्यादा बड़े हैं उनमें से एक शहादतु ज़ूर यानी झूठी गवाही है। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से ये कहा कि क्या मैं तुमको अकबरुल कबाइर बतलाऊं, यानी क्या मैं ऐसे गुनाह को तुम लोगों के सामने बयान करूं जो बिल्कुल सबसे बड़े बड़े गुनाह है। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने कहा कि बिल्कुल बयान कीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों को बयान किया। नंबर एक, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक करना यानी शिर्क करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और नंबर दो, हुकूकुल वालिदैन, माँ बाप की नाफरमानी करना, ये भी बड़ा गुनाह है। और तीसरे नंबर पर फरमाया शहादतु ज़ूर, झूठी गवाही देना, ये भी बड़े बड़े गुनाहों में से एक है। और शहादतु ज़ूर को तीन मर्तबा कहा, शहादतु ज़ूर, शहादतु ज़ूर, शहादतु ज़ूर, यानी झूठी गवाही देना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। लिहाजा एक और रिवायत में आया, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को शिर्क के बराबर करार दिया, यानी शिर्क करना जितना बड़ा गुनाह है, झूठी गवाही देना करीब करीब उतना ही बड़ा गुनाह है। लिहाजा इलेक्शन के मौके पर अगर पांच कैंडिडेट है तो पांच कैंडिडेट को आप पहले पढ़िए, सबके बारे में मालूमात हासिल कीजिए कि कौन कैसा कैंडिडेट है, इसी तरह से जिस पार्टी से वो कैंडिडेट है उस पार्टी के पूरे आइडियोलॉजी को और उसके दस्तूर को, उसके नियम को और उसके कानून को और उसके मंशूर को सबको पढ़िए कि कौन सी पार्टी
कितनी पार्टियां हैं, उन तमाम पार्टियों में कौन सी पार्टी हमारे और आपके हक में, इस्लाम और मुसलमानों के हक में, मस्जिद मदरसे के हक में, दीन इस्लाम के हक में कौन सी पार्टी थोड़ा सा सॉफ्ट पहलू रखता है। एक पार्टी है जो बहुत कट्टर है, उसको वोट मत दीजिए। जिसके अंदर थोड़ा सा सॉफ्ट और नरम पहलू है, उसके आदमी को, उसके कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। तो एक बात मैंने ये कहा कि वोट की एक हैसियत है शहादत की, गवाही की, और झूठी गवाही देना ये गुनाह कबीरा है। इसी तरीके से अगर कोई ये सोचे कि हमको गवाही नहीं देना है, हम घर में सोकर रहेंगे, बैठ के रहेंगे, घर में कुट्टी करेंगे, हम वोट नहीं देने जाएंगे, तो याद रखिए गवाही, जिस तरह से झूठी गवाही देना ये गुनाह कबीरा है, इसी तरह से जरूरत के मौके पर गवाही को छुपाना, वमन यक्तुमहा फइन्नहु आसिमुन कल्बुहु, कुरान ने कहा कि जो गवाही को छुपा कर रखेगा, गवाही देने का टाइम आया, गवाही देने का वक्त और समय आ गया, इसके बावजूद आप गवाही नहीं देते हैं, बिल्कुल छुप कर रखते हैं, गवाही को अपने पास छुपा कर रखते हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान के अंदर कि वो शख्स बड़ा गुनाहगार है। गवाही, झूठी गवाही देना ये भी गुनाह है, और गवाही को छुपा लेना ये भी बड़ा गुनाह है। कभी कभी दिल में ख्याल आता है कि हुजूर हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, पूरे हलका के अंदर पड़ा 1.5 लाख वोट है, एक आदमी वोट नहीं देगा तो क्या होगा। मेरे नौजवान साथियों याद रखिए, मैं भी ये कहूं कि एक आदमी वोट नहीं देगा तो क्या होगा, ये भी यही कहेंगे, वो भी यही कहेंगे, वो भी यही कहेंगे, खुदा न खास्ता इस तरह से अगर सारे अच्छे लोग ये कहे कि मेरा एक वोट न देने से क्या होगा। याद रखिए एक चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई, बहुत भयानक और खतरनाक आग लगी। अब लोग उसमें कोई बाल्टी में, कोई घड़ा में, कोई ड्राम में पानी लेकर जा रहा है, फायर ब्रिगेडर से आ गया आग बुझाने के लिए। एक चिड़िया थी, वो चिड़िया भी अपने चोंच में पानी लेकर और वो जंगल के आग में जाकर डाल रही थी। किसी ने पूछा कि अरे चिड़िया तू इतनी बड़ी बेवकूफ है, तुम्हारे एक कतरा पानी से क्या ये आग बुझ जाएगी, क्या ये आग खत्म हो जाएगी। उस चिड़िया ने कहा कि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे एक कतरा पानी देने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब ये आग बुझ जाएगी और आग लगाने वाले की एक लिस्ट बनेगी, आग बुझाने वाले की एक लिस्ट बनेगी, तो मेरा नाम किसमें आएगा, आग बुझाने वालों में आएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आएगा। यही सोच के हर इंसान को जिसका भी वोट है थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन मेरे भाइयों अपना वोट जरूर इस्तेमाल कीजिए, जरूर इस्तेमाल कीजिए। वोट ये सिर्फ दुनियावी काम नहीं है, बल्कि ये दीनी काम भी है। मसले की किताबों में साफ तौर पर लिखा है, ये मसला याद रखिएगा, मसले की किताबों में साफ तौर पर लिखा है कि कोई अगर उज्र नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और इसके बाद भी अगर आप वोट नहीं देते हैं तो ये गुनाह है, और अल्लाह के यहां आपसे पूछा जा सकता है कि तुमने क्यों नहीं वोट दिया था, तुमको वोट देने का इख्तियार था, अधिकार था, तुमने अपने इख्तियार और अधिकार को क्यों नहीं इस्तेमाल किया था। लिहाजा वोट जरूर देना चाहिए, वोट में शिरकत करना चाहिए। अगला हफ्ता भी अगर अल्लाह ने मौका दिया तो वोट नंबर एक, मैंने सिर्फ एक बात बतलाई कि वोट की एक हैसियत है शहादत की, गवाही की, इसके अलावा भी और एक दो हैसियत है, अल्लाह ने अगर चाहा तो अगले जुमा बयान किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ये सामने जो इलेक्शन होने वाला है, जो अच्छे लोग है, कौम के हमदर्द है, इस्लाम और मुसलमानों के साथ खैरखाही का जज्बा रखते हैं, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कामयाबी अता फरमाए। वाखिरु दावाना।